आए दिन दंगे भी होते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं। आए दिन दंगे होते रहते हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं। डूड बदनाम हो चुका है हमारा उत्तर प्रदेश आज तो। भाई बहुत ही बेकार इलाका यार वो तो, वहां तो खुला मारकाट चलती है भाई। नहीं नहीं, इट्स नॉट ट्रू। हेलो गाइस, सो गाइस आज हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और हम लोग लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं कि व्हाट दिल्ली थिंक अबाउट यूपी, उत्तर प्रदेश। लोग उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश जैसे कि आप जानते हैं उम्मीदों का प्रदेश कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, भगवा प्रदेश कहा जाता है, प्रदेश योगी योगी आदित्यनाथ आ जाता है, लखनऊ आ जाता है, इलाहाबाद आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। गाइस आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है wagonreach.com और हम लोग ना इंस्पायर करते हैं लोगों को वेजिटेरियन बनने के लिए, तो आप जाके हमारी साइट पर चेकआउट करें और अगर आप हमारे वैगन रीच साइट पर जाते हैं तो आपको फ्री टी शर्ट भी मिलेगी wagonreach.com की। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप वर्ड सुनते हो यूपी या उत्तर प्रदेश? फार्म्स। अच्छा, मजेदार, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अरे वाह वाह, पान मसाला। पान मसाला। मैम आप? आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दिस, प्लीज आस्क हिम ओनली। कुछ तो आता होगा लाइक उत्तर प्रदेश आती, कोई फ्रेंड आ रहा हो दिमाग में या कुछ? बहुत ही मस्त लोग, उनकी अखड़ भाषा होती है। अखड़ भाषा होती है और लगता दूर से। हाँ मेन लो अखड़ भाषा ही होती है, बाकी थोड़ा फिजिक्स भी होता है, थोड़ा फिजिक अच्छी होती है। हाँ, गाली निकलती है, बहुत गाली निकलती है यार। बदनाम कर दिया उत्तर प्रदेश को पहली चीज से, ये होता है। भाई बढ़िया है सिटी, ऐसी कोई दिक्कत वाला बात नहीं। मैं भी यूपी का ही हूँ। अच्छा, मथुरा का हूँ मैं भी। ओहो, हाँ तो सही है, यूपी कृष्ण जी की नगरी है मथुरा। बिल्कुल भाई, कृष्ण जी की नगरी है और हम भी कृष्ण जी वाले ही हैं। उत्तर प्रदेश, ताजमहल, दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली, आई मीन नॉट एग्जैक्टली बट एनसीआर एरिया। हाँ, एनसीआर एरिया। कि लोग सोचते हैं कि बिहारी और यूपी वाले एक ही है। नहीं भाई, ये गलत, ये गलत है कि मतलब बिहार और एक यूपी, वैसे आजकल के टाइम के अंदर यही सिस्टम है। लोग क्या करते हैं, तू यूपी से है तो यानी इट मीन्स तू बिहारी है भाई। हाँ। ये गलत है, ऐसी लोगों की जो है, लोग नैरो माइंड है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई यूपी का बंदा हर एक बंदा बिहारी है। लेकिन और ये भी बात है, यूपी के बंदे भी टैलेंटेड है, बिल्कुल टैलेंटेड टैलेंटेड है, और जो बिहार से भी बिलोंग करते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। आज के टाइम में जितने आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर जो हैं सारे सब बिहार से ही हैं। ऐसे गलत थिंकिंग है लोगों की जो ऐसा सोचते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि तू बिहारी है, टच करता है, टच करता है बहुत। हाँ वो बिहारी तो एक वो लैंग्वेज टाइप होता है, थोड़ा लैंग्वेज से जज करते हैं। यूपी ऐसा नहीं है कि यूपी के लोगों को बिहार, ऐसा मानते कि यूपी और बिहार एक ही है। नहीं, ये भी ऐसा, ऐसा कुछ पास में आते हैं ना तो सबको लगता है कल्चर वगैरह सेम है, सेम है वहाँ का, पर अलग अलग है, कुछ अलग है, काफी चीजें अलग, अलग है। वो तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उसी उन्हीं को पता चलेगा ना। नहीं नहीं, इट्स नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज़ उत्तर प्रदेश इज डिफरेंट, बिहार इज डिफरेंट। यूपी वालों को लोग कहीं का समझते ही नहीं है, वहाँ को वो बिहारी बोल देते हैं, राजस्थानी बोल देते हैं, हरियाणवी बोल देते हैं, वो बोलते हैं सबकी टोन मिक्स है उत्तर प्रदेश की। एक्चुअली ऐसा नहीं है, राजस्थानी की अपनी टोन है एंड बिहारियों का बिल्कुल ही अलग टोन हो जाता है। अच्छा। और यूपी वालों का अपना ही अलग स्टाइल होता है। एग्जैक्टली, वो नेबरिंग स्टेट है तो आई डोंट थिंक सो कंफ्यूज करना चाहिए, बट प्रोबेबली वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है उसके हिसाब से लोग शायद एक नॉर्म बना रखा है कि वैसे एक जैसे हैं। हाँ, बट इट्स नॉट सो। ऐसा है नहीं। यूपी की लड़कियाँ कैसी लगती हैं आपको? यूपी की लड़कियाँ बहुत अच्छी है, स्वीट है। दिल्ली के मुकाबले? दिल्ली के मुकाबले नहीं है, दिल्ली के मुकाबले नहीं, दिल्ली के मुकाबले नहीं, दिल्ली का बेस्ट नहीं कह सकता। देखो रहन सहन में भी तो फर्क है ना, दिल्ली का एक थोड़ा सा अच्छा और अच्छा भी मान लो। या एग्जैक्टली वही है, और यूपी का थोड़ा सा थोड़ा नीचे हुआ है, नीचे है लेकिन अच्छा है। हाँ लेकिन एज कम्पेयर अगर जैसे दिल्ली की लड़कियाँ तेज है, अच्छा यूपी के मुकाबले। भाई लड़कियाँ कैसी लगती हैं यूपी की? माल एक लगते हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं ना तो दिल्ली के मुकाबले थोड़ा ना, मतलब हाँ सिंपलिसिटी अगर देखो तो फिर वो यूपी वाली नंबर ले जाती हैं, लेकिन अब दिल्ली वालियों की आदत बढ़ गई तो मतलब थोड़ा वो रहा। आदत वहाँ जाती, नजरें वहाँ जाती। नहीं नजरें नहीं जाती, लेकिन हाँ वो है कि वही बात है कि कंपेरिजन आ जाता है, नहीं करने सोचो भी मत लेकिन फिर भी कंपेरिजन आ जाता है कि नहीं यार दिल्ली वाला, मतलब अलग बात होती है ना थोड़ी। अगर डेट करना हो उत्तर प्रदेश की लड़की को तो कैसे करोगे? कैसे करूँगा? कैसे करोगे? कोई डायलॉग अगर आपके दिमाग में हो, क्योंकि आपने कानपुर मेंशन किया था स्टार्टिंग में। नहीं कानपुर मैंने मेंशन किया, सॉरी लखनऊ मेंशन किया। लखनऊ तो तहजीब में आप कुछ बोले। अच्छा तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा तहजीब के साथ बिल्कुल पूरा मतलब उसे सबसे पहले तो बोलूँगा कि आई लाइक यू। आई लाइक यू, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं लखनवी अंदाज में बोलूं। बिल्कुल। वो मैं हाँ पूछ सकता हूँ अपने दोस्तों से कि क्या कैसे बोलते हैं, वो तो पूछ सकता हूँ उसको एक्स्ट्रा मतलब इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन हाँ मतलब आई सिंपली आई से आई लाइक यू और
क्या मतलब मेरे साथ दिल्ली या यूपी अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं घरेलू टाइप्स सुशील कहीं नहीं अमेरिका में I don't have an answer. I don't think कोई state defined इसके बारे में कोई नहीं हुई कोई यार इसको कट करो इस क्लिप को मैम अगर बंदा पटाना होगा तो कौन से शहर का ज़्यादा अच्छा लगेगा I think I will prefer my own state. राजस्थानी पद्मावती मारो राजस्थान ठीक है तो अगर भाई बंदी पटानी है उत्तर प्रदेश की तो क्या क्या टिप्स दोगे बाकी भाई लोगों को दे भाई बता थोड़ा वही लुक अच्छा होना चाहिए जो गर्ल्स मांगती हैं पहले हाँ जी और थोड़ा रिस्पेक्ट दो गर्ल्स को बाकी उत्तर प्रदेश में कहाँ तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है ना बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई भी शहर तो अलग है जैसे नोएडा ये तो अलग हो गया नोएडा गाजियाबाद कहीं का भी आप बताओ क्या होना चाहिए मेन चीजें जो इंक्लूड होती है अरे वहाँ तो लड़की कहीं की भी हो सब कोई अच्छा लड़की भाई कहीं की भी हो लड़की होनी चाहिए इनका रिएक्शन अच्छा भाई अगर कहीं रहना हो आपको यूपी में तो कौन से शहर में रहोगे कौन सा शहर अच्छा लगता है आपको भाई अपना गाँव ही अच्छा लगता है खुर्जा के पास है रहूँगा तो वहीं रहूँगा और तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं मेरा हापुड़ की साइड यूपी में आपको हमने तो मेरठ के बारे में बहुत सुना है तो मेरठ मेरठ या गैंगस्टर हम मेरे लिए तो बनारस सबसे फेवरेट सिटी है मेरे हम बनारस रीजन हम जान सकते हैं क्योंकि बनारस में काफी कुछ सो दैट बनारस इज फॉर द घाट हाँ आसी घाट और फिर उसके बाद आपका वहाँ का जो स्पिरिचुअल है एंड देन वहाँ की जो मंदिर है इन सब के लिए बहुत फेमस है काशी सॉरी फिर सबसे फेमस तो BHU हो गया वहाँ का मैं तो भाई अपना ही शहर चूज करूँगा मथुरा मथुरा और लोगों के लिए लखनऊ अच्छा है लखनऊ प्यारी जगह है हाँ लखनऊ अच्छा है अच्छा भाई दादागिरी में यूपी कैसा लगता है बहुत तेज ऊपर ही है ऊपर ही है दादागिरी का फाड़ता चलाना सबकी फाड़ने में नंबर वन नंबर वन ऊपर ही है लैंग्वेज कैसी लगती है यूपी की लैंग्वेज भाई अच्छी लगती है मेरा तो ये हिसाब है दिल्ली में रहता तो दिल्ली की चलती है यूपी चला जाऊँ तो फिर यूपी की चलती है अलग से ही आता है बोल के दिखाएं यूपी में कैसे छोरी छोरी क्या कर रही है थोड़ा सा उनका बात करने का तरीका अपने डायलेक्ट में वो बात करते हैं तो उससे थोड़ा पता लग जाता है हाँ ये जरूर है कि थोड़ी मुझे एज अ डेलीएट मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि बिहार या दिल्ली का देयर इज अ डिफरेंस लाइक हम कहते हैं हम दिल्ली में भी से मैं सो वी बिहारीज हम कहते हैं हमारे लोग और हम ये करने जा रहे हैं सो देयर इज अ सो दिस इज द मेन डायलेक्ट व्हिच जिससे जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं और हम कह दिए हम तो वो सामने वाले समझ जाते हैं ये बंदा या बंदी बिहार से है और ये यूपी से है देयर इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टोन मतलब वो बोलने में एक अलग ही टच आता है यूपी वाला टच ओके वो टच बताएंगे मैम कैसा होता है लाइक प्लीज समथिंग लाइक यूपी वाले आर लाइक टू फ्रैंक फ्लुएंट तो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं एंड थोड़ा हार्श बोलते हैं लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सो दैट काइंड ऑफ जो दूसरी जगह है वहाँ पे काफ़ी देसी भाषा है और जा रहा छोरो ऐसे कुछ वो थोड़ा हरियाणवी मिक्स हो गया यहाँ मैं तो हाँ थोड़ा मिक्स है मैं इतनी क्लियरली नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ लखनऊ से सबसे अच्छा शहर उत्तर प्रदेश का मैं तो नोएडा ही है नोएडा हाँ नोएडा ही देखा मैंने तो अच्छा सबसे अच्छा शहर और सर सबसे बुरा शहर अगर कहेंगे तो किसको उत्तर प्रदेश में जी मैं ज़्यादा तो गया हूँ लेकिन नाम सुना होगा कहीं दंगे हो रहे हैं कहीं हाँ तो मेरठ है मेरठ है उत्तर अच्छा। प्रदेश में दंगे भरे पड़े हैं उत्तर प्रदेश में दंगे भरे पड़े हैं हर शहर में दंगे होते हैं बट सर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई तो थोड़ा सा शायद अब चेंज आया है ना अच्छा आपको सर सबसे गंदा शहर उत्तर प्रदेश का एटा मैनपुरी के बारे में सुना है मैंने के बारे में गाइस देख लो एटा मैनपुरी वाले मेरे बहुत से दोस्त हैं एटा मैनपुरी वाले सबसे गंदा शहर बता रहे हैं आपको हाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा शहर उत्तर प्रदेश में मैं कभी उत्तर प्रदेश मैंने विजिट नहीं किया लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लखनऊ से हैं अच्छा। तो वो बताते रहते हैं कि लखनऊ इज अ वेरी गुड प्लेस और वहाँ पे लोगों को तहजीब है बात करने की सबसे अच्छा शहर नोएडा एंड सबसे बुरा शहर इट्स नॉट लाइक दैट बुरा बट स्टिल थोड़ी चीज़ों में होगा कुछ कोई शहर आई थिंक आगरा बिकॉज वहाँ ट्रैफिक एंड रश बहुत ज़्यादा आगरा को बुरा बोल रहे हैं गाइस तो कि यूपी वालों में ख़राब आदत क्या लगती है आपको और अच्छी आदत क्या लगती है कोई भी भाई अच्छी आदत तो ये है कि मदद करने के लिए ज़्यादातर डैडी रहते हैं टाइम रहते हैं ठीक है और बुरी बात यह है कि सुनते नहीं है ज़्यादा किसी की
अपने पे ही ज़्यादा यकीन करते हैं, अपने पे ही ज़्यादा यकीन करते हैं। मतलब कोई सामने वाला बंदा सही भी होगा और खुद भी गलत होगा ना, तो मतलब सुनने के वो नहीं रहती कि हाँ बंदा वो सुनेगा, अपनी अपनी बात ज़्यादा करने की सोचता है, अपने को ऊपर रखता है, चाहे गलत हो तो भी। हाँ बस यही गलत, बस ये बस एक यही बुरी बात है, बाकी दोस्ती के लिए भाई जाना नहीं रखते हमेशा। बिल्कुल है। हाँ भाई बिल्कुल, मरने मिटने पे तैयार। बिल्कुल भाई, बंदीबाजी में बंदीबाजी हटाओ, गोली मारो बंदी को। तो आप नहीं, महाराष्ट्र के लोग कैसे होते हैं? अरे बताया अभी तो, सब जगह अच्छे बुरे लोग हैं। अच्छी भी चीज़ें हैं और बुरी भी चीज़ें दोनों है। दोनों है। एक तो पहली बात तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी बहुत है भाई। बिल्कुल गुंडागर्दी है, भाईगिरी दादागिरी बहुत है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यूपी में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा, लखनऊ? लखनऊ में उनका बोल चाल ऐसा है कि बस पूछो मत भाई, मुंह से फूल झड़ते हैं उनके। बिल्कुल। और आपकी साइड मथुरा में? मैं मथुरा का हूँ। और आपके तो फूल झड़ रहे हैं वैसे, वाला के मथुरा वाले लोग ऐसे होते नहीं है। अच्छा, सीरियसली? सबसे अच्छी चीज़ इज कल्चर, ऑब्वियसली हर स्टेट का कल्चर ही उसकी सबसे बड़ी हेरिटेज होती है। एंड सबसे बुरी चीज़ इज ऑफकोर्स पॉल्यूशन। आई थिंक यूपी में क्राइम रेट्स थोड़े रिलेटिवली हाई हैं कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और अच्छी बात कहा जाए तो वहाँ पे कल्चरल मिक्स बहुत अच्छा है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट कुजींस हैं और साथ ही उनके परफॉर्मिंग आर्ट्स के काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं यूपी में। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि वहाँ का खेती सही है, वहाँ पे खेती एग्रीकल्चर साइड पर। और बुरी क्राइम बहुत, क्राइम बहुत है यार, योगी आदित्यनाथ देख लो प्लीज़, कितना क्राइम है, करप्शन। आपके हिसाब से सर? अच्छा तो यही है यूपी में, मैं मोस्टली तो अपने गांव में गया हूँ, तो वहाँ पे मेरे को उन लोगों की एकता अच्छी लगती है, आपस में मिलजुल के रहते हैं। और बुरी बात तो वहाँ पे थोड़ा कानून व्यवस्था थोड़ा ख़राब है, काफ़ी ख़राब है, काफ़ी हद तक कह सकते हो जी। ये हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में, और ये हमारे एडिटर साहब। तो दोस्तों यार, ये वाली वीडियो प्रोड्यूस कर रही है लीक एड्रे प्रोडक्शन, और आप अपनी भी वीडियो प्रोड्यूस करा सकते हैं अगर आप जाके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप शूट करा सकते हैं वीडियो कोई भी। और ये हमारे एडिटर साहब हैं, इनका भी एक प्रोडक्शन हाउस है रेपो प्रोडक्शन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाके चेकआउट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द रेपो प्रोडक्शन। हाँ, और रॉन्ग वेज को भी, अब मेरा तो बोल, और रॉन्ग वेज को भी। नाम भैया आपका? आकाश रोशन। आकाश और ऋतिक रोशन के भाई, हेलो।